व्हाट्सअप गाइस, क्या हालचाल। मैं हूं निकेत, आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल। सो गाइस, फाइनली भी काफी टाइम के बाद गाइस मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, बिकॉज़ यार कुछ प्रॉब्लम था, इस वजह से गाइस मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। सो गाइस, आज से गाइस कंटिन्यू में आपको वीडियो गाइस देखने को मिल जाएगा। गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर पर गाइस बात करेंगे हिप हॉप बंडल के बारे में। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, मैं रिसेंट अपने फ्री फायर के अंदर में आपको रेड क्रिमिनल गाइस देखने को मिल रहा है, क्योंकि भाई काफी ज्यादा रेयर बंडल अपने फ्री फायर के अंदर। सेम यार, हिप हॉप बंडल और भी ज्यादा गाइस रेयर है क्रिमिनल के मुकाबले। तो गाइस, क्या यार हिप हॉप बंडल भाई अपने फ्री फायर के अंदर भाई आगे यार आने वाले टाइम देखने को मिलेगा या गाइस नहीं मिलेगा? क्या भाई आपको हिप हॉप बंडल अपने फ्री फायर के अंदर गाइस आएगा या गाइस नहीं आएगा? आज के इस वीडियो के अंदर भाई काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो भाई इस वीडियो को ना एंड तक जरूर से देखना। एंड जितने बंदे मतलब वीडियो को लाइक नहीं किए, जैसे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड गाइस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। जितने बंदे भाई अभी तक घंटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ऑल पे सेट नहीं, उस चीज को भाई कर दे, जब गाइस वीडियो अपलोड करोगे भाई आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना एक्सीडेंट वगैरह के। सो गाइस, फ्री फायर के अंदर रियल आइटम भाई एक ऐसा चीज होता है जिसके पास गाइस पे रियल आइटम होता है, लिटरली उसका गेम के अंदर कुछ ज्यादा ही भाई क्रेज रहता है। अभी बदत है भाई। जैसे गाइस मान लो भाई, अगर आपके लॉबी में भाई कोई हिप हॉप वाला गाइस बंडल आ जाए और भाई आप यार उस लॉबी के पास मतलब उस कैरेक्टर के पास जाते हो एंड स्क्रीनशॉट वगैरह लेते हो, क्योंकि भाई यार हिप हॉप बंडल काफी ज्यादा रेयर है अपने फ्री फायर के अंदर। अरे कहना क्या चाहते हो? और जैसा कि आप सबको पता है, फ्रीयर आइटम यानी कि भाई फ्री फायर के अंदर कोई चीज एक ही बार ही आता है और जो बंदा उस चीज को निकाल दिया एंड भाई वो चीज आगे चल के बहुत ज्यादा रेयर हो जाता है। अब भाई आप लोग बोलोगे यार क्रिमिनल बंडल भी काफी रेयर था, लेकिन यार गहरने वालों ने उस चीज को दोबारा देकर क्रिमिनल बंडल का भाई जो क्रेज पब्लिक के अंदर वो खत्म हो चुका है। अभी के टाइम में भाई ग्रीन क्रिमिनल का इसको ज्यादा ही आपको देखने को मिलता है, क्योंकि भाई ग्रीन क्रिमिनल भाई काफी रेयर था भाई अपने फ्री फायर के अंदर, भाई क्रिमिनल बंडल में से काफी रेयर था, बट गहरने वालों ने उस चीज को दोबारा से देकर ग्रीन क्रिमिनल का भाई ऐसा का तैसा कर दिया यहाँ पे। बट गाइज, यहाँ पे हिप हॉप बंडल लिटरली अभी के टाइम में काफी ज्यादा भाई क्रेज है हिप हॉप बंडल का। एंड गाइज, अपने फ्री फायर के अंदर भाई हिप हॉप बंडल काफी कम है, काफी कम बंदों के पास गाइज हिप हॉप बंडल है, क्योंकि गाइज हिप हॉप बंडल भाई एक इलाइट पास का बंडल है। जैसे कि आप सबको पता है सीजन 2 का इलाइट पास है, एंड गाइज नया फ्री फायर के अंदर भाई इलाइट पास भाई स्टार्ट हुआ सीजन 1 सीजन 2, एंड उस टाइम में काफी कम बंदे भाई टॉप अप करते थे, एंड भाई कम बंदे टॉप अप करते भाई काफी कम बंदे को पता था कि भाई डायमंड वगैरह होता है, डायमंड से इलाइट पास लेते हैं, ये सब रिवार्ड मिलते हैं। एंड उस टाइम यार जो बंदे भाई इस इलाइट पास को परचेस किए थे उन सभी के पास यार हिप हॉप बंडल होगा, और गाइस वही हिप हॉप बंडल अभी के टाइम में लिटरली काफी ज्यादा रेयर है। लेकिन गाइस भाई, जैसा कि आप सबको पता है भाई, अपने फ्री फायर के अंदर रिसेंट यार रेड क्रिमिनल भी आया था, उससे पहले भाई ग्रीन क्रिमिनल भी गाइस आया था, तो भाई क्या लगता है गाइस भाई हिप हॉप बंडल को भी यार गिरने वाले भाई दोबारा से ला सकते हैं फ्री फायर के अंदर या गाइस नहीं ला सकते? सो गाइस भाई, आप ऐसे जो बंदे कैसे पुराने गाइस बंदे हैं जो भाई बहुत पहले से फ्री फायर खेलते यार, उनको पता होगा भाई क्रिमिनल बंडल यार अपने फ्री फायर के अंदर एक इवेंट के तौर पर यानी कि भाई इनकी बेटर के अंदर आया था, स्पिन व्हील के अंदर गाइस आया था। तो भाई इनक्यूबेटर के अंदर बस चार क्रिमिनल बंडल गाइस देखने को मिला था, एंड जो गाइस पांचवा क्रिमिनल बंडल है यानी कि भाई ग्रीन क्रिमिनल गाइस भाई वो यार अलग इवेंट के अंदर भी आया था। लेकिन यहां पे जो गाइस भाई आपका हिप हॉप बंडल है गाइस भाई ना ही यार किसी इवेंट के अंदर भी आया था, ना ही यार इनक्यूबेटर के अंदर आया था, ना ही गाइस किसी स्पिन व्हील के अंदर आया था। हिप हॉप बंडल जैसे कि आप सबको पता है भाई सीजन 2 का इलाइट पास का बंडल है, जो गाइस भाई मेन बंडल होता है इलाइट पास का, वैसे ही यार सीजन 2 का भाई वो मेन बंडल है जो कि गाइस अभी के टाइम में काफी ज्यादा रेयर है। अगर बात करा जाए कि भाई क्या हिप हॉप बंडल भाई आपको यार देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में, भाई सीन भाई ऐसा है, अगर मेरे हिसाब से गाइस देखा जाए तो यार हिप हॉप बंडल यार इलाइट पास का बंडल है, और गाइस मेरे हिसाब से भाई गिरने वाले यार इलाइट पास के बंडल को दोबारा से गाइस नहीं ला सकते। रुको जरा, सबर करो। लेकिन गाइस गैरना वाले यार कुछ भी कर सकते हैं, अगर भाई गैरना वाला गाइस कभी भी लॉस में कहीं जाता है तो यार लिटरली गैरना वाले भाई हिप हॉप बंडल को दोबारा से अपने फ्री फायर के अंदर भी ला सकता है। एंड गाइस भाई हिप हॉप बंडल भाई गाइस अपने फ्री फायर के अंदर भी काफी ज्यादा रेयर बंडल है, एंड उसी के साथ साथ हिप हॉप बंडल भी अपने इलाइट पास का बंडल है, तो भाई ज्यादा भाई चांस है यार गैरना वाले इस बंडल को दोबारा अपने फ्री फायर के अंदर ना दे। एंड अगर गाइस गैरना कभी भी गाइस लॉस में जाता है तो यार इंतजार करो यार, जब भी लॉस में जाएगा भाई हिप हॉप वापस दोबारा से आएगा। तो गाइस भाई आज का ये वीडियो भाई यहीं तक है, तो गाइस मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइस बाय 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 बाय।